जो नए किसान भाई लोग हमसे जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे नीचे जो सेटअप देख रहे हैं, ये हैचरी मशीन का सेटअप है, इन्वर्टर का सेटअप है। जो किसान भाई बोलते हैं कि हमको 100 अंडे लगाने हैं, 500 अंडे लगाने हैं, हम कहाँ से हैचरी मशीन लें, कहाँ से इन्वर्टर लें, तो आज हम इसके बारे में पूरा इसका मैकेनिज्म भी आपको समझाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे भी कि कितने में तैयार होती है और कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको पूरा जानकारी इसके बारे में मिलेगा। तो मेरा फॉर्म तो जहानाबाद बिहार में है और जिनसे आपको आज मिलाएंगे वो भी जहानाबाद के दक्षिणी में के रहने वाले हैं, कल्लू जी। तो इन्होंने अपना इन्क्यूबेटर स्टार्ट किया है बनाना और पहले से भी बहुत लोग को दे चुके हैं, तो आप भी इनसे इन्क्यूबेटर बनवा सकते हैं। और चलते हैं इनसे बात करते हैं। आप नीचे दिखाइए कि किस तरह ये थर्मोकोल का सेटअप से पूरा इन्क्यूबेटर का बनाते हैं। तो हम बना लिया जाता है मार्केट से ले खरीद करके, इसके अंदर में फ्रेमिंग इस तरह से बना कर दिया जाता है जिसपे अंडा रखा जाए, और अंडा टर्निंग करने के लिए इस तरह का सेट बनाते हैं। ऐसे ऐसे आगे पीछे चलता है, अंडा होते रहता है टर्न। ये मैनुअल तरीका हुआ। तो जो किसान भाई मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, सबसे पहले जा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं कल्लू जी से कि क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे कैसे बनाते हैं और कितना अंडा का सेटअप आप दे सकते हैं। हाँ, कम से कम 80 से 90 अंडे तक ले जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 अंडा तक भी मशीन हम बना रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक किट मार्केट से न लेकर खुद ही तैयार कर लेते हैं। इसका सेंसर भी अपने ही बनाते हैं, सेंसर ही खुद बना लेते हैं। अंडा है चलेगा इससे, और अंडा का मैकेनिज्म यही है कि ऐसे ऐसे मैनुअल भी चलता है और इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से खुद का बनाया हुआ ये इन्क्यूबेटर है। आप अपने ऑर्डर के अनुसार भी बनवा सकते हैं। तो कितना कितना ऑर्डर करके ये आपके बनवा सकते हैं, कितना कितना मैंने अंडा इसमें डाला सकता है आपको? इसमें 80 से 90 अंडे तक ले सकते हैं। 80 से 90 अंडे एक बार में? हाँ, लोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और यही हैचर भी बन जाएगा, यही सेटर भी बन जाएगा। अभी ये सेटर का रूप में है, इसको लगा देंगे तो सेटर का रूप है। हाँ, और इसके अंदर से सीधा जाली ऐसे निकाल लेंगे और सभी अंडों को छोड़ देंगे 3 दिन के लिए, 18-18 दिन के बाद ये हैचर का रूप में हो गया। आपको एक छोटा सा वीडियो भी मिलेगा जिसमें आपको अभी देख रहा हूँ कि अंडा फूटने वाला एक वीडियो है, भेजे थे हमको कल्लू भाई, भेजे थे कि उसको जब अंडा फूट रहा था तो वो वीडियो हमको भेजे थे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यही मशीन से इन्होंने अपना अंडा बिल्कुल तैयार किया। इसका हैचबिलिटी क्या जाता है मशीन का? अभी तक तो 80% अच्छी तरह से निकल रहा है, वो भी अंडा आप ही का दिया हुआ। जी, तो जिनको फर्टाइल अंडा चाहिए और बिल्कुल छोटा मशीन चाहिए, कम पैसे में चाहिए, कम पूंजी से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि हाँ हम छोटा स्तर से शुरू करें, तो छोटा स्तर से शुरू करने के लिए आपको ऐसा मशीन का ज़रूरत पड़ेगा जो कि कल्लू जी बना करके आपको दे देंगे। इनका नंबर हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ पर से नोट कर लीजिएगा। इनका लोकेशन है बिहार में जहानाबाद। तो अब ये बताइए कि कितना कितना ऑर्डर पर आप दे सकते हैं और कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? बिहार भर में लमसम तो हम भेज सकते हैं, बिहार भर में सभी जगह भेज सकते हैं। बगल में हम लोग का पटना है, अगर जो ट्रांसपोर्टिंग इनको मिल जाएगा तो पटना से आपको बस में लगवा करके चाहे ट्रेन से भी ये भेज सकते हैं, जो कि नज़दीक में है। उन लोग को आप आके देख के आपको संतुष्टि होगा, उसी समय आप बनवा के ले सकते हैं। तो जो किसान भाई लोग, हाँ ये सब पूरा अपना ही लगवाते हैं, मीटर सब लगाते हैं, सब बल्ब लगेगा, हाँ बल्ब से पूरा बना करके देते हैं और एक अच्छा सा मॉडल तैयार करके देते हैं वो कि इस तरीके से आपको पैकिंग करके मिलेगा। फैन लगता है, सब फैन लगेगा, हवा निकलने वाला है। चंदन जी हमारे फैन को घुमा करके भी दिखा रहे हैं, गुरु के बात है, चेला ने दिखाया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ये बड़ा 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 भी फैन है, ये बड़ी मशीन के लिए है, 500 अंडा तक लेंगे तो उनके लिए 500 अंडा तक भी लोड होने का मशीन बनेगा। मशीन बनता है जैसा ऑर्डर करेगा वैसा बना दीजिएगा। जी जी,
जैसा आपको कस्टमर का ऑर्डर हो देंगे। 100 अंडा से लेके 500 अंडा तक आपको जिस प्रकार से इनक्यूबेटर बनवाना है हमारे कल्लू भाई से बनवाइए, इनका नंबर दिया हुआ है, जाके अभी कॉल कीजिए। आपको अगर जो हैचरी मशीन के बारे में जानना है, इनक्यूबेटर बनवाना है, तो कॉल करके पूरी जानकारी अंडा देख सकते ले सकते हैं। और यहाँ पर शीशा लगेगा ना, ग्लास लगेगा, ग्लास लगेगा, इससे आप अंडा का टेम्परेचर, अंदर मशीन लगा हुआ रहेगा टेम्परेचर का, उससे भी देख सकते हैं हमारा अंडा मूविंग कर रहा है या मैनुअल मूविंग कर रहा है, मशीन बन ही रहा है। और हैचबिलिटी भी इन्होंने बताया कि 80% के करीब जाता है, तो 70 तो हम मानते ही हैं, 70-80 जाता होगा। तो जो किसान भाई लोग मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक कर दें, और जो न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बने रहें, आपको अगले वीडियो भी में भी बताया जाएगा फार्मिंग से संबंधित सभी जानकारी में बताया जाएगा। और कल्लू जी अपना नंबर एक बार बोल दीजिए, अन्य तो चंदन जी आप अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर हुआ चंदन जी का 8235926564, और अरविंद जी का नंबर हो गया, और इनका अगर जो अरविंद जी का नंबर पर नहीं लगेगा तो आप चंदन जी से संपर्क कर सकते हैं। अरविंद जी का नंबर हुआ 9113748009। अरविंद जी हमारे गुरु जी का नंबर हुआ। हाँ, तो जब गुरु जी पर ना लगे तो चेला जी चंदन जी से संपर्क कीजिए, आपको बिल्कुल माल दे दिया जाएगा और उचित रेट में दिया जाएगा। क्या सर मार्केट से बढ़िया रेट रहेगा कि नहीं? मार्केट से बहुत बढ़िया रेट रहेगा, मार्केट में पता कर लेंगे पहले, उसके बाद हमसे बात करेंगे। हाँ, मार्केट में पता कर लिया, अगर जो मशीन में किसी प्रकार की आपको खराबी आती है तो आपको जो कल्लू जी हैं आपको फ़ोन से संपर्क कर देंगे, बता देंगे कि मार्केट से जो सामान है वो, अगर जो ख़राब होता है छोटा मोटा तो बता देंगे कि ये सामान ला के बनवा लीजिए। हाँ, कोई भी लोकल मैकेनिक भी बना देगा क्या? जी इंजीनियर है सर, मिनी इंजीनियर बना लेगा, रिपेयर कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी काम करता है वो आपको मशीन को सर्विस, जहाँ तक सुविधा बनेगा खुद जाके कर देगा। इधर लोकल बिहार में है तो आप फ़ोन करके वीडियो कॉल करके आप देख सकते हैं। तो हैचिंग मशीन इनसे ले सकते हैं, और इनसे चूजा भी ले सकते हैं, बत्तख वाला आपको बताए कि जिनको कम चूजे की ज़रूरत है 200-500 और 100 चूजे, तो वो आप ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।